कोरोना के बाद अब H3N2 वायरस डराने लगा है। नए वायरस की दस्तक को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग सतर्क। साइबर सिटी के नागरिक हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड तैयार कर जिला स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गुरुग्राम के CMO डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो H3N2 वायरस का अभी तक गुरुग्राम में कोई केस नहीं आया है, बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। H3N2 वायरस को लेकर पहले भी हमने दिशा निर्देश जारी किए हैं सभी प्राइवेट हॉस्पिटल को, सरकारी संस्थाओं को। मैं सभी से एक अनुरोध करूँगा, पैनिक ना हो, अभी तक कोई केस गुड़गांव में डिटेक्ट नहीं हुआ है। बेसिकली इन्फ्लुएंजा ए टाइप का ही वायरस है, जिसको पहले H1N1 जो होता था वो स्वाइन फ्लू है, H3N2 उसका एक सब टाइप है। टेस्टिंग की फैसिलिटी RT-PCR अवेलेबल है, लेकिन हर एक को RT-PCR करने की जरूरत नहीं होती है। जिसकी कैटेगराइजेशन है, जिस पर्टिकुलर कैटेगरी या हाई रिस्क केसेस के लिए ही ये टेस्ट किया जाता है। तो मैं जनता से भी अनुरोध करूँगा कि अनावश्यक रूप से टेस्टिंग के लिए होड़ में शामिल ना हो। और अभी इस बारे में कोई दिशा निर्देश, क्योंकि नोटिफाइबल है या कैसे भी करना है, वो सिर्फ हम ही डिक्लेयर करेंगे केसेस को। प्राइवेट हॉस्पिटल एज सच नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं स्वाइन फ्लू के केसेस को या इन्फ्लुएंजा के ऐसे केसेस को। तो अभी जो सिविल हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड है, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी हम कल एक मीटिंग बुला के दिशा निर्देश जारी करने वाले हैं कि इस बारे में उनको क्या क्या कार्रवाई करनी है, कैसे उन्होंने टेस्टिंग या लोगों को टेस्ट करने के अलावा एडमिट करना है। यहाँ मैं आम जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि जैसे कोविड में अप्रोप्रिएट बिहेवियर उन्होंने अपनाया था, वही अप्रोप्रिएट बिहेवियर दोबारा से अपनाएं। बार बार अपने हाथ धोएं, यदि आप बीमार हैं तो परिवार से और अन्य जनों से दूर रहें, और 7 दिन या 5 से 7 दिन जब तक आपको सिम्टम है अपने आपको आइसोलेट रखें, और जहाँ तक हो सके ऑफिस या अपना कार्य क्षेत्र में भी ना जाएं। और जब आपको एडमिशन की जरूरत पड़ती है, खास करके जब आपको 103 या 104 डिग्री बुखार है, या आपको शरीर में या नाखून में नीला बना रहा है यानी ऑक्सीजन की कमी है, या आपको कोई अनकॉन्शियसनेस हो रही है, या आपको यूरिन पास नहीं हो पा रहा है, यानी आप किसी किस्म के शॉक में या निमोनिया के कोई ऐसे फीचर्स हैं, तब आपको एडमिशन की ज़रूरत है। यूजुअली जब आप 7 से 15 दिन ये खांसी परसिस्ट करती है, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं, 7 दिन के बाद अपने कार्य क्षेत्र में आप जा सकते हैं, ऑफिस में आप जा सकते हैं। मैं अनुरोध यही दोबारा से करूँगा कि पैनिक ना हो, H3N2 एक इन्फ्लुएंजा वायरस है और ए टाइप का जो सब टाइप का वेरिएंट है। स्वाइन फ्लू जैसे पहले आपने देखा होगा, पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए या इन्फ्लुएंजा पर्टिकुलर लोगों के लिए, खास करके 5 साल से छोटे बच्चे, 65 साल से ज़्यादा उम्र जिनकी हो, प्रेग्नेंट महिलाएं, या वो लोग जिनको कोई कोमोर्बिड कंडीशन है, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, या कैंसर या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन हो, उनमें ये ज़्यादा डेंजरस है। उन लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है।